बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती, हर समस्या का समाधान जरूर होता है। कृषि जगत से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान शायद आपके पास या हमारे पास ना हो, पर हमारे कृषि विशेषज्ञों के पास अवश्य ही होता है, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सारी जानकारियाँ कृषि विशेषज्ञ के माध्यम से आप तक पहुँचे। लेकिन हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होती है कृषि समाचार से, तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लत्तर वर्गीय फसलों को समय से करें तुड़ाई, किसानों को खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेगा अनुदान। मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DDR23। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, यदि आप लत्तर वर्गीय फसलों की खेती किए हैं तो समय से तुड़ाई करना जरूरी है। समय से तुड़ाई नहीं करने से फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, साथ ही जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। उद्यान विकास योजना के तहत कृषकों को अनुदान पर मिर्चा, पपीता और ओल की खेती को बढ़ावा देने के साथ ही प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। योजना के लाभ के लिए लाभुक का चयन उनकी भूमि और खेती का निरीक्षण कर किया जाएगा। इच्छुक कृषक 26 सितंबर तक जिला उद्यान पदाधिकारी चतरा के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। किसान भाई, धान फसल में बैक्टीरियल बीमारी BLB होने की संभावना रहती है, इससे धान फसल को काफ़ी नुकसान होता है। धान फसल को बैक्टीरियल बीमारी BLB से बचाव के लिए दवा को सप्ताह में 2 बार छिड़काव करें, इससे धान फसल को नुकसान नहीं होगा और पैदावार अच्छी होगी। जब उनके खेत में अगर BLB जो बीमारी है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का अगर अटैक हो जाता है, तो उसमें जो है, अगर मान लीजिए 25 लीटर जो पानी है उसमें 6 ग्राम का जो पाउच आता है उसको अगर मिला करके और 2 बार जो है साप्ताहिक अंतराल पे छिड़काव कर देते हैं, तो ये बैक्टीरियल बीमारी से उनके फसल बच जाएगी और वो जो बीमारी जो महामारी के तौर पर धान में आती है उससे अपनी फसल बचा सकते हैं। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DDR23 पूसा प्रभात मालवीय मटर 15 लगाएं। मटर की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। मटर की खेती मध्यम जमीन में करें जहां पानी का जमाव नहीं होता है। किसान भाई, रोपा धान में निकाई गुड़ाई के लिए पैडी वीडर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी कार्य क्षमता 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है फूलगोभी या पत्ता गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के बारे में। फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती कर रहे किसान अपनी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 3 अलग अलग स्थानों पर बाल्टी में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर बल्ब जला दें। इससे 3-4 दिनों में अधिकांश वैस कीट मर जाएंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। और अब राज्य के 5 प्रमुख शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
और धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾ ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಿಯಾ ಹೈ। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। किसान भाइयों, अगर हमें फसल लेनी है तो हम बीज मिट्टी में डालते हैं, वो अंकुरित होता है और फिर फसल तैयार होती है। लेकिन क्या अगर बीज अच्छा ना हो तो अच्छी फसल मिल सकती है? कितना उपयोगी होता है गुणवत्ता युक्त बीजों का होना, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, जब आप फसलों का उत्पादन करते हैं तो इसमें जो महत्वपूर्ण कारक है बीज, उसका गुणवत्तापूर्ण होना बहुत जरूरी है। और यह भी जानना आपको जरूरी है कि जो बीजों की गुणवत्ता है उसको कैसे बनाए रखें और खासकर फसल उत्पादन में। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमने विशेषज्ञ के तौर पर बुलाया है डॉक्टर संजय कुमार पांडे, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र विश्वपुर के प्रधान वैज्ञानिक। और खासकर जो गुणवत्तापूर्ण बीज है पर उसमें अंतर कैसे समझें? देखिए, बीज गुणवत्तापूर्ण बीज जो है वो तो उत्पादन का सबसे मेन चीज़ है। अगर सही बीज नहीं रहेगा और गुणवत्ता युक्त नहीं रहेगा तो उत्पादन आप चाहकर भी अच्छा नहीं प्राप्त कर सकते। अक्सर यह देखा जाता है कि किसान तो बीज लाते हैं और देखते हैं कि जर्मिनेशन नहीं हो, तो वैसे में उनकी पूरी की पूरी खेत जो है वो तबाह हो जाती है और उनका आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए किसान भाई को चाहिए कि कोई भी बीज लाए, चाहे अपने घर का बीज ही क्यों ना हो, चाहे बाजार से जो भी बीज लाते हैं, तो उनको पहले स्वयं को उसको टेस्ट करना चाहिए, जर्मिनेशन टेस्ट करना चाहिए, उनका अंकुरण क्षमता देखना चाहिए कि हम 100 बीज डालें तो कितना प्रतिशत हमको प्राप्त होता है। अगर बीज का अंकुरण क्षमता जो है 80% 85% से अगर कम है तो आप उस बीज को अच्छा बीज नहीं मान लें और उसको लगाने से
उसको अवॉइड कीजिए, ताकि अगर आपका अच्छा अंकुरण नहीं होगा तो उत्पादन आपको अच्छा नहीं पड़ा। लेकिन अगर शुरुआती दौर में ही बीजों के जो चयन की बात होती है दुकानों से लेने की या अनुशंसा के आधार पर या लोगों से बातचीत के आधार पर, वहाँ क्या सावधानी बरती किसान का? देखिए, वहाँ पर जो हम बीज लेते हैं तो पहली चीज़ है कि उसका पैकेट टैग इत्यादि चीज़ को ध्यान से रखें और ऐसे जगह से बीज लें जहाँ उनका विश्वसनीयता हो। अब जहाँ तहाँ से बीज का मत खरीदारी करें और कोशिश तो यही करें, खास करके धान में जो ज़्यादा एरिया में आप फसल लगाते हैं, हाई वॉल्यूम क्रॉप लगाते हैं, किसान को चाहिए कि एक बार कृषि विज्ञान केंद्र संबंधित जिला के कृषि विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय से वो बीज एक बार लें, खास करके सर्टिफाइड सीड लें, और ये दो जगह सेंटरों से बीज लेंगे तो उनकी शुद्धता की गारंटी सुनिश्चित है। तो वहाँ से लें तो 3 साल तक वो बाजार पर निर्भरता उनका नहीं रहेगा और वो एक शुद्ध बीज उत्पादन करने में भी सक्षम हो सकता है। तो मेरा यही सुझाव है कि जहाँ से भी बीज लें वो गुणवत्ता युक्त सेंटर से भी लें। अगर उनको लगता है कि सेंटर का बीज ठीक नहीं है तो तुरंत उनको छोड़ें उनको। इसलिए बीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है खेती के फसल उत्पादन के लिए। और दूसरा चीज़ है कि कैसे उस गुणवत्ता को हम पहचाने। तो पहली चीज़ है कि गुणवत्ता है वो देख कर भी आप समझ जाइए कि बीज में किस प्रकार का बीज है, वो चमकीला है कि नहीं है, बोल्ड है कि नहीं है, उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, उसका रख रखाव जिससे ले रहे हैं आप वो रख रखाव पद्धति उनका क्या है। सबसे मैंने कि बीज तो किसान पैदा करते हैं, किसान भी बीज पैदा करते हैं, लेकिन उनका रख रखाव का जो तकनीक है वो जो ठीक से नहीं होने से वो जो उचित लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं ले पाते हैं। इसलिए बार बार जो खास करके जो बीज उत्पादन से जो जुड़ा हुआ मामला है उसमें सावधानी बरतनी है और लॉगिंग करना है। जैसे मान लीजिए कि आप सहभागी धान का बीज उत्पादन कहीं से सर्टिफाइड सीड लाए, सत्यापित बीज लगाए और आप लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो बीज जहाँ से मिला वो ठीक है लेकिन आपके खेत में ही कुछ पहले से दूसरा प्रभेद का बीज गिरा हुआ हो, चाहे आपके घर में ले जाने में सावधानी के बावजूद भी कुछ उसे मिश्रण हो जाता है, तो वैसी स्थिति में जब हमारा फ्लावरिंग का समय रहता है जिसमें गाभा निकलता है, धान का बाली निकलता है, वैसे क्लियर सूखने के पहले वो डिटेल आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें जो जो दूध जो बीज बन रहा बनाना जा रहे हैं जो फसल जा रहे हैं उसमें शुद्धता उतना नहीं है। तो वैसे अनवांछित फसलों को हम वहाँ से निकाल रहे हैं, और ताकि अनवांछित फसल करने का मतलब कि मान लीजिए सहभागी के धान के साथ अंजली है तो दोनों को बाली में अंतर, जो किसान भाई ट्रेडिशनल सीड को रखना चाहते हैं उनके लिए जी जी उसको हम बार बार ये कहते हैं किसान को खास करके हाई वॉल्यूम ज़्यादा मात्रा में जिसकी खेती हो रही है ज़्यादा मात्रा उत्पादन हो रहा है उसका बीज का उत्पादन स्वयं किसान को करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास भी संसाधन है लेकिन कितना आप निर्भर रहिए, आप स्वयं को बीज उत्पादन कर सकते हैं, धान का तो आराम से कर सकते हैं, गेहूं का कर सकते हैं, इवन राई का भी कर सकते हैं, मस्टर्ड का, सभी में एक चीज़ कि आइसोलेशन डिस्टेंस जो होना चाहिए उस प्रभेद से दूसरे प्रभेद का कितना दूरी रखें, इसको अगर मध्य में हम रखते हैं तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा कि जो किसान बीज उत्पादन करना चाहते हैं अगर एक ग्रुप बना के करना चाहते हैं तो संबंधित जिला के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और उनका कम से कम 5 दिवसीय ट्रेनिंग लेके कि कैसे हम बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी को जाने और कैसे उसको हम अपना के अच्छा से बीज उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, ये मुख्य रूप से। तो अगर छोटी छोटी बातों की अगर बात करें बहुत संक्षेप में, तो जो किसान भाई अभी देख रहे हैं जो दूरस्थ के हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, उनको आप कैसे कहेंगे कि जो गुणवत्तापूर्ण बीज है उसका उत्पादन या कहें कि उसको स्टोरेज नेक्स्ट क्रॉप के लिए क्या सावधानी क्या की पॉइंट होगा? देखिए, आप अच्छा से सही जगह से बीज ला के खेती कर लिए, आप सुनिश्चित हैं कि हमारा बीज ठीक हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपको हार्वेस्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो कहते हैं उसकी कटाई के वक्त कितना मॉइस्चर रहना चाहिए, कटाई उपरांत जो हम थ्रेसर जहाँ पर उसका दाते हैं उसको वहाँ पर सफाई है एकदम सुनिश्चित होना चाहिए कि वहाँ पर कोई दूसरा फसल का बीज धान का नहीं हो। और तीसरा जो मॉइस्चर लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बीज को रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10-12% मॉइस्चर रहना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा मॉइस्चर रहता है और आप ठीक से रख रखाव नहीं कीजिएगा तो उसमें अनेक बीमारी आ जाएगा जिसके चलते आपका बीज का गुणवत्ता मेंटेन नहीं रहेगा। इसलिए मेरा यही सुझाव है
कि आप शुरुआत से ही रॉगिंग कीजिए, प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन कीजिए, बढ़िया से थ्रेसिंग फ्लोर को सफाई कीजिए, थ्रेसिंग फ्लोर पर वेट लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि कितना जो स्टोरेज करते हैं कितना लॉस होता है। अगर लॉस की मात्रा ज़्यादा है इसका मतलब कि गुणवत्ता जो आपका बीज नहीं रहा। अगर मान लीजिए कि 10-12% मॉइस्चर है तो उतना ही वेट कम होना चाहिए, 20-25% वेट लॉस है इसका मतलब कि आपका गुणवत्ता ठीक से आप बीज का भंडारण नहीं किए। प्रॉपर उसको सुखाना है, सुखा के उसका बढ़िया से उस बीज को सफाई करके अब प्रॉपर जो है प्लास्टिक बैग में उसको एयर टाइट करके उसको दवा मिलाकर उसको आप बीज को रखिए। तो आप सुनिश्चित अपने को पहले मन को कर लीजिए कि जो हम लेने जाए, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा खर्चीला आइटम है नहीं, 2-3 ग्राम पर केजी के लिए है। तो आप 2 ग्राम चीज़ खर्चा करके आप जो उत्पादन जो लेने जा रहे हैं उस उत्पादन को तो आप सुनिश्चित कर लीजिए, क्वालिटी भी अच्छी, क्वालिटी भी रहेगा। बैग पर तो लिखा ही हुआ है कि यह बीज उपचारित है, सब कुछ है, लेकिन आप स्वयं को सुनिश्चित हो जाइए कि हमारा बीज जो है वह सही मात्रा जो हम देने जा रहे हैं वह बीज उपचारित है। किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बताया है कि जब आप खेती करने जा रहे हैं तो बीज की गुणवत्ता को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। जैसे सर ने बताया कि जो कुछ सावधानियाँ हैं, चाहे फार्म से लेकर फील्ड तक जो आपका खलिहान है जहाँ स्टोरेज है वहाँ पर अगर साफ़ सफाई रखते हैं और जो इन्होंने अनुशंसा की है, निर्देश दिया है, उसका अगर पालन करते हैं तो निसंदेह आपके बीज जो है गुणवत्तापूर्ण रहेंगे और जो फसल है उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। संजय सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाई से जुड़े, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप तो जानते हैं कि झारखंड में मशरूम जो है वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, लेकिन इसकी खेती भी की जाती है, ये भी आप जानते हैं। कैसे लाभ प्राप्त करें मशरूम की खेती से, साथ ही इसके मूल्य संवर्धन के बारे में पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम आप पहुँचे हैं केवी के गुना और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर निशा जी, वो बतौर वैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञान। किसान भाइयों, हमारे मैम आपको ये बताने वाली है कि आज हम मशरूम उत्पादन करके क्या लाभ कमा सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और हम उसका मूल्य संवर्धन कैसे कर सकते हैं। मैम, हमारे किसान भाइयों को बताएं कि वो मशरूम की खेती कैसे करें और उनका उनके लिए क्या लाभ है। बताना चाहेंगे कि मशरूम उत्पादन के विषय में कि यहाँ पर हम लोग बेसिकली ओस्टर वैरायटी को प्रमोट कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र, और इधर 8 साल से ओस्टर वैरायटी पर काम भी कर रहा है, जिसमें कि हमारे गुमला जिले के कम से कम 100 समूह को हम लोग जो है इस मशरूम उत्पादन से जोड़े हैं। पहले क्या था कि हमें जाके लोगों को मोटिवेट करना पड़ता था कि आप इस ट्रेनिंग को करिए, आप इस ट्रेनिंग को करिए, लेकिन आज इतने चेंजेस हैं कि वो खुद कुछ लोगों का फ़ोन आता है कि मैडम हमें इस पर ट्रेनिंग चाहिए, आप कब ट्रेनिंग कर, मतलब इसका डिमांड बढ़ा है, जागरूक हो गए हमारे किसान भाई जी, अवेयरनेस बढ़ी है, अवेयरनेस इन द सेंस कि इकोनॉमिक आस्पेक्ट इसका अच्छा है। पहला है कि इसका हम देखते हैं, अगर बीसी रेशियो की बात करते हैं मशरूम का, तो अगर 1 रुपये की लागत लगा रहा है किसान भाई तो 2-2.5 रुपये वो अच्छे से महिलाएं किसान भाई जो भी कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि इसका 6 मंथ्स का टेन्योर पूरा रहता है, जिसमें उत्पादन लेते हैं सितंबर महीना से हम शुरू कर देते हैं और मार्च माह तक इसका काम हम लोग फोकस करते हैं कि मशरूम उत्पादन महिलाएं इसका सही समय मतलब सितंबर माह। हाँ जी, टेम्परेचर इसका जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक हम रखते हैं जो है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा वेरिएशन होता है तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, मशरूम का उत्पादन पे भी असर आता है। जी मैम, तो इसके लिए जैसे छोटी सी चीज़ें बताएंगे कि इसके उत्पादन में सामग्री हमें क्या क्या लगती है। पहला चीज़ है कि ईजी टू एक्सेस है, कुटी लगती है, धान का पुआल है, कुटी उससे महिला यहाँ पे हर जगह के गांव में सबके यहाँ पे कुटी अवेलेबल है। वेवस्टीन पाउडर है, फॉर्मल्डिहाइड है, पीपी बैग है, स्पॉन है। तो स्पॉन भी पहले यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता था, हमें रांची से लाना पड़ता था, अब कृषि विज्ञान केंद्र में आज की डेट में मशरूम का स्पॉन अवेलेबल है, तो ईजिली यहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं स्पॉन को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और ये सुविधा हो गई है। दूसरी चीज़, ट्रेनिंग की सुविधा तो पहले से ही थी, और स्पॉन आने वाले समय में हमारी कोशिश ये भी है कि जब मशरूम उत्पादन को सिखा दिए तो उनके स्पॉन को भी बनाना हम लोग सिखाएंगे कि स्पॉन बीज कहाँ से प्राप्त कर, बीज कृषि विज्ञान केंद्र से। जी, अब हमने स्टार्ट कर दिया बीज बनाना, यहाँ पे पहले लैब नहीं था, अब लैब आ गया है, तो किसान भाई को इजली ये आपको बीज मिल जाएगा, यहाँ से मिल भी रहा है, तो बहुत सारे समूह हैं जो अच्छे से कर रहे हैं इसका। फिर इसके अब इसको कर क्यों रहे हैं इस पर भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि इसका तो जो मैंने बताया ना आपको कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो है ही, इसके साथ साथ इसके न्यूट्रिटिव आस्पेक्ट भी हैं और मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। न्यूट्रिटिव आस्पेक्ट्स में बोलेंगे जैसे प्रोटीन एनरिच है इसमें, 100 ग्राम अगर हम मशरूम खा रहे हैं
तो 3 ग्राम जैसा प्रोटीन है उसमें। जी जी। ऐसे आयरन भी है, आपका विटामिन सी भी है, तो बहुत सारे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं। और मेडिसिनल आस्पेक्ट में बात करते हैं तो इस बहुत सारी रोगों में भी बहुत अच्छा कारगर है। जैसे कि किसी को आपको बीपी का प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर है, वेट बहुत ज़्यादा गेन है, क्योंकि मशरूम में क्या है, पानी बहुत ज़्यादा रहता है। जी जी। एक तरह से पूरी तरह से रफेज है और एक तरह से खाने वाला फफूंद है, तो रफेज ज़्यादा है, इसमें पानी का आस्पेक्ट ज़्यादा है, तो मोटापा के लिए है, जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पेट संबंधी कोई बीमारी है उसके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है खाने में। और ईजिली इसको बना भी सकते हैं आप चाहें तो। जैसे क्या है, एक प्रॉब्लम छोटी सी होती है कि मशरूम को फ्रेश ही जितनी जल्दी हो उसको, एक दिन में उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है, तो उसको हार्वेस्ट किए तुरंत सेल कर दिए, उसको तुरंत यूज़ हो जाना चाहिए। सपोज़ अगर हमने नहीं टाइमली सेल किया तो मशरूम ख़राब होने लगता है, तो हमने ये भी यहाँ पे बताया है फार्मर्स को, डिहाइड्रेशन प्रक्रिया मतलब निर्जलीकरण, उसका उसको कैसे सुखाना है और सुखा के उसको पैक करके कैसे रखते हैं कि ऑफ सीजन में उसका यूज़ करना, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि मैम उसका मूल्य संवर्धन भी बाद में कर सकते हैं। जी, जो वेस्टेज हमारा हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं और उसको फिर बाद में बेच के मतलब किसान जी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी, क्योंकि ऑफ सीजन में मशरूम तो मिलता नहीं है, अभी जैसे कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून के महीने में हम खोजेंगे हमें मशरूम चाहिए। जी, तो नहीं तो जो वीमेन है, जो फार्म वीमेन है, वो क्या करती है कि उनको टुकड़ों में थोड़ा छोटा करके तोड़ के अच्छे से क्लीन करके और उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसको अच्छे से मतलब एयर टाइट बैग में उसको भर के रख देते हैं। तो आप जो मशरूम 200 रुपये केजी यहाँ पे बेचती हैं, तो ऑफ सीजन में उसको 1000 रुपये केजी बेचती हैं वो। जी, तो एक तो खाने के लिए भी मिला, दूसरा उसका बेनिफिट भी है, और तीसरा है कि इकोनॉमिक और न्यूट्रिटिव वैल्यू तो है ही है। जी, मतलब तो पहले जिस चीज़ों से लोग डरते थे हमारे किसान भाई कि हमारा जो मशरूम है वो बहुत शॉर्ट पीरियड में ही ख़राब हो जाता जी, है जी। और हमें वो बहुत घाटा दे जाता है, तो अब उनको इस चीज़ का डर भी नहीं है और वो इसका एकदम आराम से खेती करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी जी जी। और इसके साथ साथ है कि जैसे महिलाएँ अब इसको स्टोर करके रख लिया भाई, ड्राई करके रख लिया है जी, अब उसको नहीं सेल हो रहा है सपोज की बात है नहीं तो जी, और जी। फिर आगे एक स्टेप और जाते हैं वैलिडेशन में जी। उसका एक तो पिकल बताते हैं हम लोगों को जी, कि पिकल कैसे बनाना है, अचार, मशरूम का अचार, और जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है मतलब लोगों के टेस्ट मतलब में ट्रेनिंग यहीं दी जाती जी, है जी जी जी। हम लोगों के द्वारा यहाँ पे वैल्यू एडिशन का, मशरूम के वैल्यू एडिशन पे 5 डेज का ट्रेनिंग कराते हैं, 5 डेज का ट्रेनिंग जो है मशरूम उत्पादन पे कराते हैं, और इस तरीके से ये पूरा ट्रेनिंग जो है 10 to 15 डेज का होता है। तो वैल्यू एडिशन में क्या है कि पहला तो अचार है, अचार यहाँ के लोगों के टेस्ट में, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जी, बिल्कुल है ना, तो मशरूम कोई ऐसा नया चीज़ नहीं है कि वो खाते नहीं है, खाए नहीं है, क्योंकि गांव में भी बहुत तरह के मशरूम अपने आप से होते हैं प्राकृतिक, जैसे टनकस मशरूम कुकड़ी कहते हैं यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे ले आना, उसको उसका अचार बना के खिलाना लोगों में, ये मतलब ये चीज़ें ले आना तो कोई नया नहीं था, उनके टेस्ट में था, हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा, तो इसलिए इसका प्रमोशन अच्छा हुआ, रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिला है। तो एक तो अचार है, दूसरा है नगेट्स है, बड़ी है मशरूम की जी, बड़ी बनाते हैं। सूप के लिए हम पाउडर बता दिए हैं कि उसको पाउडर कैसे बनाना है, सूप कैसे तैयार करना है, और ये पैकिंग उसके बाद उसकी पैकेजिंग प्लस उसका सेल और उसको कैसे कॉस्टिंग निकालना है, कैसे पैक करना है, सारी चीज़ों का जब ट्रेनिंग होता है इनको सारी चीज़ों को बता दिया जाता है जी। हमारी वैज्ञानिक है अनीसा जी, इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जिससे पहले किसान भाई डरते थे कि हम मशरूम की खेती करेंगे और हमें मुनाफा ना हो, कि अगर मशरूम हमारा बर्बाद हो गया तो हमें घाटा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मैम ने बताया कि हम इसका वैल्यू एडिशन करके मूल्य संवर्धन करके इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए किसान भाई हमें ये उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम देखने के बाद आप मशरूम उत्पादन जरूर करेंगे और इसे बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हमारे कार्यक्रम में हमारी मैम आई और बहुत ही अच्छी जानकारी थी, इसके लिए आपका मैम धन्यवाद। देखा किसान भाइयों आपने, मशरूम की अच्छी खेती के लिए हमें क्या कुछ करना है, ये पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगर आपको अपनी कोई बात हम तक पहुँचानी है तो हमें अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चौहार नमस्कार।